नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के एक निजी अस्पताल में युवक की मौत से दुखी पिता के साथ पुलिस के अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। बुजुर्ग अपने मृत बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था और इसके लिए पुलिस को रोक रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दुखी पिता को समझाने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धक्का देकर हटा दिया। साथ ही शव को भी पैर से खींचकर एम्बुलेंस ले निकाला। भोपाल पुलिस अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। एक निजी अस्पताल में जवान बेटे की मौत से दुखी पिता को ढाढ़स देने की बजाय पुलिसकर्मियों ने दुखी पिता को समझाइश की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धक्का देकर हटा दिया। उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और वो बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था। आखिरकार पुलिस ने जबरन शव का पीएम करवाया। इसके बाद नाराज पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया, कहा कि मेरा बेटा सबूत था, टुकड़ों में शव नहीं चाहिए, इसे आप ही रखिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मेरे को नहीं चाहिए फायदा, ले जाऊंगा मेरे बच्चे को, मैं नहीं करवाऊ सर जी। हाँ, पहले बोलना था ना, यही बात पहले ही बोला था ना मैंने, अब जाके झूठ बोल रहा है। करो इसको, हटो जाओ, बीच में से हटो। बाबू जी मैं नहीं करवाऊंगा, आप जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। तेरे घर की याद है क्या? छोड़ दे और मार दो, मैं काट के फिर हत्या भाई मेरे। मेरे मत करो, मेरे बच्चे मत करो, मेरे को मार रहे थे। देखो मूर्ख बहन के लौड़ा, पीएम क्यों करवाओ मेरा ढांडो, तुम मेरे को मारो, मारो मेरे को, मेरे को जमाना देखेगा तुमको, मेरे बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं। तू घड़ी घड़ी देख रही, तू घड़ी घड़ी मत देख, समझाओ मूर्ख को। अरे आप कर रहे जबरदस्ती, अरे तू क्या अच्छे गलान कर रहे धोखेबाज, तू गद्दार है नरवारे के नाम पर, गद्दार निकल रहा है। मारो मेरे को, लट और गर्दन दबा के निकल, दनपट्टे में बच्चे के साथ ऐसे कर रहा है। भाई बच्चा मत ले जा, समझा लो है। इसके बाद पुलिस ने शव को मृतक की मां और अन्य परिजनों को सौंपा। पिता ने हॉस्पिटल वालों पर लापरवाही और पुलिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बंगिया में एक लड़की की एक्सीडेंट मौत हो गई थी, उसके पिता पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाह रहे थे, परंतु पिता को धक्का देकर लाश को पैरों से खींचा गया मजबूरी में। इसमें जो घटनाक्रम संज्ञान में आया है उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपी जाएगी, और अगर इसमें किसी प्रकार से डेड बॉडी के साथ में या उसके परिजनों के साथ में अमानवीय कोई व्यवहार हुआ है तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिपरिया के रहने वाले सुनील मेहरा और सौरभ मेहरा रविवार को अपनी बुआ के लड़के की बर्थडे पार्टी में पचमढ़ी गए थे। परिजनों ने बताया कि रात करीब 11 बजे सुनील का फोन आया कि छोटे भाई सौरभ ने ज्यादा शराब पी ली है। इसके बाद सुबह 6 बजे तक दोनों घर नहीं आए तो उन्होंने सौरभ को फोन किया। सौरभ ने बताया कि बड़ा भाई सुनील रास्ते में जमीन पर पड़ा है, परिजन उसे लेकर अस्पताल गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।